हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की बात करने चल रहे हैं, यूनिट सेकंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। कॉन्सेप्ट नंबर वन में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस का डिस्कशन किया था। कॉन्सेप्ट सेकंड में इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होती है, चार्ज क्या है, चार्ज को कैलकुलेट कैसे करें, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, अमीटर क्या है, इन सब का डिस्कशन किया था। उसके बाद की क्लास में हमने न्यूमेरिकल का डिस्कशन किया था, जो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड थे। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की बात करने चल रहे हैं कि जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं उसमें करंट फ्लो करती कैसे है, जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं उसमें करंट फ्लो कैसे होता है, हम इसकी बात करेंगे। अब बात यह आती है कि कंडक्टर क्या है। हमने आपको बताया था कि हमारे आसपास कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को आसानी से अपने से अंदर से होने देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के आसानी से अपने अंदर से फ्लो करते हैं, उनके अंदर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इजीली मूव कर जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में अब क्वेश्चन आता है कि कंडक्टर क्या केवल सॉलिड ही होते हैं, या केवल लिक्विड ही होते हैं, या केवल गैस ही होते हैं, या तीनों होते हैं। कंडक्टर्स तीनों होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और गैसियस भी होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर सॉलिड कंडक्टर में कौन आते हैं। सॉलिड कंडक्टर में आपकी मेटल्स आती हैं। कौन आती हैं? मेटल्स आती हैं। अब मेटल्स में आपकी आपका सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, एल्युमिनियम है, ये जितनी मेटल्स हैं ये सब की सब आपकी सॉलिड कंडक्टर में आएंगी, जिसमें सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर आएगा। ओके, सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है। अब लिक्विड कंडक्टर में कौन आएगा? लिक्विड कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, जो कि आपके बैटरी के अंदर फिल किए जाते हैं, जिनमें HCl है, H2SO4 है, CuCl2 है, NH4Cl है, ये आपके आएंगे। गैसियस की बात करें तो गैसियस ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर तो ये इंसुलेटर होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करती हैं, लेकिन हम प्रेशर वेरी लो कर दें और वोल्टेज वेरी हाई कर दें तो उस केस में इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होने लगता है, जिनको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। और ये बात सबसे पहले फैराडे ने स्टडी किया था। तो ये कंडक्टर बन जाती हैं, इसका मतलब। और सॉलिड में आपके सेमीकंडक्टर्स भी आते हैं, जिनमें जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, आपका आर्सेनिक है, बिस्मथ है, एंटीमनी है, ये आपके सेमीकंडक्टर भी आ जाते हैं। तो कंडक्टर मेटल्स में ये आ गए। अब बात ये आती है कि जब भी कोई कंडक्टर्स हैं तो उनके अंदर चार्ज का फ्लो, और इंसुलेटर कौन होते हैं? इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, करंट के फ्लो को नहीं अलाउ करते हैं, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर में आपका प्लास्टिक है, वुड है, स्टोन है, ये सब आपके इंसुलेटर में आएंगे। ओके, तो कंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर हो गए, सेमी कंडक्टर हो गए, लिक्विड कंडक्टर हो गए, ये आपके डिफरेंट टाइप के कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि जो कंडक्टिंग मटेरियल हैं उनमें कौन से पार्टिकल हैं जिनके चलने की वजह से चार्ज फ्लो करता है और करंट फ्लो करती है। तो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में जिन पार्टिकल्स के मोशन की वजह से, जिन पार्टिकल के चलने की वजह से करंट फ्लो करती है, उन्हें चार्ज कैरियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्ज कैरियर कहते हैं उन्हें हम। तो वह चार्ज पार्टिकल जो किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फ्लो करते हैं, तो चार्ज करंट फ्लो करती है, उन्हें चार्ज कैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है आपके दिमाग में कि आखिर ये चार्ज कैरियर क्या सब में एक जैसे होते हैं? आंसर है नो, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मेटालिक कंडक्टर हैं उनमें चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं उनमें चार्ज कैरियर कैटायन और एनायन होते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव निगेटिव आयन बोलते हैं।
जो आपके सेमीकंडक्टर हैं उसमें चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। होल्स अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। जो आयोनाइज्ड गैसेज होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन और आयन होते हैं। तो अलग अलग मटेरियल में चार्ज कैरियर अलग अलग होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में बात मेटल्स की करेंगे जो सॉलिड कंडक्टर में आते हैं। तो सॉलिड कंडक्टर में मेटल्स आती हैं, मेटल्स में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम यहाँ मेटल्स की बात करने चल रहे हैं कि जब किसी मेटल, जब कोई मेटल का वायर है, जैसे कॉपर वायर है, ये कोई कॉपर वायर मान लें, तो अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं, वो मोशन में भी हैं, लेकिन इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो कर रही है? अगर इसमें करंट फ्लो करेगी तो कैसे फ्लो करेगी? तो हम वो मैकेनिज्म जानना चाहते हैं, वो मेथड जानना चाहते हैं जिस तरीके, जैसे कि करंट फ्लो होती है किसी मेटल्स का, मेटालिक कंडक्टर में, उनकी हम बात करना चाहते हैं। अब बात, अभी हमने बताया कि फ्री चार्ज कैरियर की बात किया, तो जो ये कंडक्टरिंग मटेरियल होते हैं इनमें फ्री चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो जो है वो चार्ज और करंट फ्लो करती है। अब जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उनमें फ्री चार्ज कैरियर होते हैं 10^29 पर मीटर क्यूब, 10^29 पर मीटर क्यूब। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें 10^12 पर मीटर क्यूब होते हैं। और जो आपके इंसुलेटर होते हैं उनमें 10^2 पर मीटर क्यूब होते हैं। ओके, किसी भी मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में, किसी भी मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं उसे हम फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी या चार्ज कैरियर डेंसिटी बोलते हैं। इसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल n से। तो द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड चार्ज कैरियर डेंसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है मेटल्स में 10^29 होती है, इंसुलेटर में 10^2 होती है, सेमीकंडक्टर में 10^12 होती है पर मीटर क्यूब। ओके, अब चलो हम देखते हैं, इनके विषय में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं, हम पहले टॉपिक है थ्योरी ऑफ करंट फ्लो थ्रू सॉलिड कंडक्टर। थ्योरी ऑफ करंट फ्लो थ्रू सॉलिड कंडक्टर, यहाँ हमारा फोकस सॉलिड कंडक्टर पर है जिनमें हमारी मेटल्स आती हैं। आपके पीरियोडिक टेबल में आपकी मेटल्स हैं जिनमें अल्कली मेटल हैं, आपका एल्युमिनियम, सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, ठीक ना, ये आपकी अल्कली मेटल्स होती हैं। चलिए देखते हैं, हम बात एक कॉपर की करते हैं। देखिए ये कोई कॉपर का एटम है। देखिए बच्चों इधर देखो, स्टूडेंट सामने देखो, लास्ट वाले स्टूडेंट इधर देखिए, ये कोई कॉपर का एटम है। देखिए ये कोई कॉपर का एटम है, 29 इसका एटॉमिक नंबर है, 63 इसका मास नंबर है। अब इसके अगर हम के एल एम एन, जिसको बोर बरी ने दिया था, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन, एन में 1 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के पास देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 29 प्रोटॉन है। और पहला ये के सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए यल सेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका यम सेल है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, ये यन सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये के सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपका यल सेल है जिसमें 2^4, 2^6, 2^8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपका यम सेल है जिसमें 2^4, 2^6, 2^8, 2^10, 2^12, 2^16, 2^18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये यन सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस के सभी प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये जो सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन जो यन सेल में है इसको बैलेंस सेल बोलते हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो बैलेंस सेल कहलाता है, और वहां जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर यन सेल जो है वो बैलेंस सेल है, और यहाँ पर यंग सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से सबसे दूर है। और कूलम फोर्स होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 / R², इसके लिए न्यूक्लियस से डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे कम होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को जब हम रूम टेम्परेचर पर, इस इलेक्ट्रॉन को जब रूम टेम्परेचर की वजह से थर्मल एनर्जी मिल जाएगी जो कि होती है E = 3/2 kT,
इस इलेक्ट्रॉन को जब रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी मिल जाएगी E=3/2 kT, तो ये अपने एटम को छोड़ के निकल जाएगा। देखिए ये अपने एटम से निकल गया और एटम को बाय बाय बोल देगा, बाय बाय मैं जा रहा हूँ। ये अपने एटम से निकल गया, जब अपने एटम से निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए कापर में, ये कापर आयन में कन्वर्ट हो गया, ये क्या बन गया, कापर आयन। अब कापर आयन में 29 प्रोटॉन है और 28 इलेक्ट्रॉन है, ये वेरी हैवी होता है, ये वेरी हैवी होता है, ये चल नहीं सकता है, ये फिक्स्ड होता है, ये इमोबाइल होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकले ये फ्री होते हैं, ये अब ये फ्री हो गए, अपने एटम से निकल गए, अपने एटम से निकल करके ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं। हाँ, मेटल को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि मेटल को छोड़ के जाने लगेंगे तो जितने ये पॉजिटिव आयन हैं इनको वापस अट्रैक्ट कर लेंगे, इसलिए इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने मेटल को नहीं छोड़ सकते हैं, मेटल को छोड़ के जाएंगे तो इनको एनर्जी चाहिए। अब मेटल के अंदर बचा कौन, मेटल के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकला, एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसे 10^29 वेरी लार्ज नंबर, वेरी वेरी लार्ज नंबर, 10^29 इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटल के अंदर पर क्यूबिक मीटर में होते हैं, वन मीटर लेंथ में, 1 मीटर ब्रेथ में, 1 मीटर थिकनेस में, अगर कोई वायर है कापर का तो उसमें 10^29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अपने एटम से निकल गए इन्हीं को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, या इन्हीं को कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और यही चार्ज कैरियर होते हैं मेटल्स में। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल्स के अंदर रैंडमली मूव कर सकते हैं। देखिए ये मेटल है, ये मेटल है, ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अपने एटम से डिटैच्ड हो चुके हैं और पूरे एटम में ये जो है रैंडमली मूव कर रहे हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये देखा गया कि रूम टेम्परेचर पर इनके पास थर्मल एनर्जी होती है, वो होती है E=3/2 kT। रूम टेम्परेचर पर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी होती है जो होती है 3/2 kT के बराबर, के बोल्टमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। इस थर्मल एनर्जी की वजह से ये जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये रैंडम मोशन किया करते हैं। रैंडम मतलब देखिए ये नीचे की ओर जा रहा है, ये राइट में जा रहा है, ये लेफ्ट में जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, ये आपका ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इनकी मोशन कंप्लीट रैंडम होती है। क्या होती है, कंप्लीट रैंडम होती है। ठीक, अब ये जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है रूम टेम्परेचर पर ये कंप्लीटली रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन करने की वजह से अगर आप यहाँ पर कोई एक एरिया क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए आपने एरिया क्रॉस सेक्शन ए इमेजिन कर लिया और यहाँ पर आप खड़े हो जाइए और अपनी घड़ी लेकर के आप देखते जाइए, जब आप देखेंगे तो इसमें राइट साइड से लेफ्ट साइड जितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड जितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट भी गुजरेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट भी गुजरेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट गए उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट गए, तो जितना चार्ज लेफ्ट से राइट गया, राइट से लेफ्ट गया, उतना ही चार्ज लेफ्ट से राइट जाता है, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब तो कोई भी चार्ज इस एरिया क्रॉस सेक्शन से ट्रांसफर नहीं होगा। जब कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा तो करंट होता है I=Q(net/T), और जब कोई चार्ज यहां से ट्रांसफर नहीं होगा तो करंट क्या होगी, जीरो होगी। मींस इस कंडक्टिंग वायर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब हर एक कॉपर वायर जिसको कहीं किसी बैटरी से या वोल्टेज सोर्स से नहीं जोड़ा गया है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, वो रैंडम मोशन में भी है, वो बहुत तेज चल रहे हैं, लेकिन करंट जीरो होती है क्योंकि उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक सर्टेन डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होता है और वो जो है आपके रैंडम मोशन करते हैं। ये वैसा ही होता है जैसे आपकी लाइफ में जब तक कोई एक अच्छा टीचर नहीं आता, जब तक कोई एक मेंटर नहीं आता, जब तक कोई एक गुरु नहीं आता, तब तक आपकी लाइफ जो है वो रैंडम होती है, अव्यवस्थित होती है। लेकिन कोई मेंटर आ जाता है, कोई गुरु आ जाता है तो आपकी लाइफ को अरेंज कर देता है, सिस्टमेटिक कर देता है और आप अपनी बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर अब नेट चार्ज फ्लो जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगी। तो यही रीजन है कि कॉपर का हर एक वायर या कॉपर का हर एक पीस उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, वो मोशन में भी होते हैं, लेकिन करंट जीरो होती है जब तक उसको किसी वोल्टेज सोर्स या बैटरी से ना जोड़ा जाए। अब
एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं ये वेरी हाई स्पीड से चलते हैं, इनकी स्पीड होती है 10^5 मीटर पर सेकंड से 10^6 मीटर पर सेकंड। इनकी जो स्पीड होती है रूम टेम्परेचर पर 10^5 मीटर पर सेकंड से 10^6 मीटर पर सेकंड होती है, और ये थर्मल एनर्जी की वजह से होती है, इसे हम इनकी थर्मल स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल स्पीड बोलते हैं, या हम इसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं। तो चाहे आप इसको थर्मल स्पीड बोलिए चाहे इसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलिए। अब दो बातें आपको ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो कंप्लीट रैंडम है, इरेगुलर है, किसी विशेष डायरेक्शन में नहीं है। तो उससे दो चीजें होती हैं, एक तो नॉन नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो नहीं होता है तो क्यू नेट जीरो होता है, तो आई इक्वल टू क्यू नेट अपॉन टी, आई जीरो हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं अगर इनकी हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालें, अगर हम इनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालें, मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी V1 है, दूसरे की V2 है, तीसरे की V3 है, चौथे की VN है, टोटल N फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर सबकी थर्मल एवरेज वेलोसिटी निकालें तो जीरो आ जाती है। क्या आती है? जीरो आ जाती है। तो याद रखना कि किसी भी मेटल के अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है, भले उसकी वैल्यू वेरी हाई हो 10^5 1 लाख मीटर पर सेकंड हो, लेकिन एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है। इसका रीजन ये है कि वो रैंडम वेलोसिटी होती है। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी रैंडम अरेंज्ड हो, रैंडम डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसकी एवरेज वैल्यू जीरो आती है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है। ये देखिए जीरो आ गई। तो दो बातें हुई इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन की वजह से, दो बातें हुई, एक तो ये हो गया कि कोई नेट चार्ज फ्लो नहीं हुआ तो करंट जीरो हो गई, दूसरी ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी वो जीरो आ गई। ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। अब तीसरी बात, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जितने फ्री चार्ज कैरियर होते हैं उसको जितने फ्री चार्ज कैरियर होते हैं उनको हम चार्ज डेंसिटी से डिनोट करते हैं। कैसे? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर अपॉन वॉल्यूम, ये कहलाता है फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी। क्या कहलाती है? फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करें तो इसे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से। ये मेटल में सबसे ज्यादा होती है 10^29, ये इंसुलेटर में 10^2 होती है, सेमीकंडक्टर में 10^12 होती है। तो द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिनोटेड बाई स्मॉल n। कंडक्टर के लिए देखें 10^29 होती है, इंसुलेटर के लिए 10^2 पर मीटर क्यूब होती है, सेमीकंडक्टर में 10^12 पर मीटर क्यूब होती है, सेमीकंडक्टर में 10^12 पर मीटर क्यूब होती है। अब चार्ज कैरियर की बात करें तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं जिसमें कैटायन और एनायन होते हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। होल क्या है ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अब आप एक बात और सुनिए, जब किसी मेटल के एटम से कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये आयन बचे, ये हैवी हैं, ये अपने जगह पर ही फिक्स वाइब्रेट करते हैं और इन्हीं के बीच से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। देखिए इसका डायग्राम मैंने ये शो किया है, देखिए ये जो पॉजिटिव हमने शो किया है ये वो फिक्स्ड आयन है जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, वो ये आयन है ये, और ये हैवी होते हैं, इनका मास वेरी हाई होता है, ये अपने जगह पर फिक्स्ड रहते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ये चलते नहीं हैं। इनके बीच से देखिए ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो अपने अपने एटम से निकल गए हैं, ये देखिए रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो किसी भी मेटल के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो लोग आपको देखने को मिलेंगे, एक आपको फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे जो कि रैंडमली मूव कर रहे होंगे, एक पॉजिटिव फिक्स्ड आयन मिलेंगे जिनके बीच में वो दौड़ रहे होंगे या वो बदमाशी कर रहे होंगे। तो एक तो फ्री पॉजिटिव, एक तो फिक्स्ड पॉजिटिव आयन्स होंगे और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बैकग्राउंड में कौन मिलेंगे? फिक्स्ड पॉजिटिव आयन मिलेंगे, ये क्या होंगे? इमोबाइल होंगे, मीन्स फिक्स्ड होंगे। और कौन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या होंगे? मोबाइल होंगे। क्या होंगे? मोबाइल होंगे। अब आप एक बात और समझिए, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये 1 लाख मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं,
10^5 से 10^6 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, इसको हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। और ये थर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, देखिए बी थर्मल इक्वल टू होता है 3RT/m या 3RT/m, या आप इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट 3KT/πm। यहाँ स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का मास है, के बोल्टमैन कांस्टेंट है, के बोल्टमैन कांस्टेंट है, टी जो है आपका के बोल्टमैन कांस्टेंट है आपका, और जो है यम इलेक्ट्रॉन का मास है। ये थर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब देखिए थर्मल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करे, टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करे, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ज्यादा होगा थर्मल वेलोसिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा थर्मल वेलोसिटी कम होगी। ये थर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला है फ्री इलेक्ट्रॉन के। अब एक बात और सुनिए, ये वो पॉजिटिव आयन है जो मेटल के अंदर है, ये कोई एक इलेक्ट्रॉन चला और यहाँ से चलना शुरू किया, जब दूसरे आयन से जाके टकराएगा देखिए ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से चलना शुरू किया, पहले आयन से ये जाकर के दूसरे आयन से टकराया। जब तक ये दूसरे फ्रीड आयन से नहीं टकराएगा तब तक ये कितनी डिस्टेंस चला, लैम्डा वन। कितना टाइम लगा इसको, टाउ वन। अब यहां से कोलिजन करने के बाद इसकी वेलोसिटी रैंडम चेंज हो गई। अब ये इधर आया, ये आकर के दूसरे आयन से टकराया। जब दूसरे आयन से ये कोलिजन किया, टकराया, तो कितनी डिस्टेंस चला, लैम्डा टू चला। कितना टाइम लगा, टी टू टाइम लगा। अब फिर यहां से ये इधर चला, यहां जाके टकराया, कितना डिस्टेंस चला, लैम्डा थ्री। कितना टाइम लगा, टाउ थ्री लगा। इस तरीके से हम जो है बार बार कोलिजन फ्री इलेक्ट्रॉन का होता रहता है और वो चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब दो बातें यहाँ इम्पॉर्टेंट है। पहली बात ये इम्पॉर्टेंट है कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब ये चलेंगे तो बीच में कोई कोलिजन नहीं हुआ, और ये कितनी डिस्टेंस चले, लैम्डा वन। फिर यहाँ से यहाँ चले तो कोई कोलिजन नहीं हुआ, कितनी डिस्टेंस चले, लैम्डा टू। तो ये लैम्डा वन जो डिस्टेंस है, जो कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, ऐसे ये सब फ्री पाथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फ्री पाथ। अब एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, करोड़ों मिलियन बिलियन इलेक्ट्रॉन है। सभी इलेक्ट्रॉन का जो फ्री पाथ है, इसको देखिए हमने ऐड कर लिया, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री प्लस लैम्डा एन डॉट डॉट, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ कोलिजन है उसे डिवाइड कर दिया। तो ये जो लैम्डा आया, ये कहलाता है मीन फ्री पाथ। क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ। क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड फ्री पाथ, एंड द एवरेज ऑफ ऑल द फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। मीन्स इलेक्ट्रॉन के किन्हीं दो कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम फ्री पाथ बोलते हैं, और जितने कोलिजन हुए सबके फ्री पाथ को जोड़ लीजिए, नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दीजिए, तो वो कहलाता है मीन फ्री पाथ। क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ। इसको किससे डिनोट करते हैं, देखिए लैम्डा बार से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा बार। अब लैम्डा बार का फॉर्मूला देखिए, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री डॉट लैम्डा एन अपॉन क्या है, एन। एन क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन। तो ये हो गया मीन फ्री पाथ। इस मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट, वो 10^-10 मीटर से 10^-10 मीटर के आसपास आती है। इस मीन फ्री पाथ की वैल्यू आपके मेटल्स में लगभग 10^-10 मीटर आती है। अब अगली बात, किन्हीं दो कोलिजन के बीच में ये टाउ वन टाइम लगा, यहां से अगले कोलिजन में टाउ टू टाइम लगा। तो ये जो टाउ वन टाइम है, ये दो कोलिजन के बीच का टाइम है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, RELAXATION, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब जितने में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है, कोलिजन नहीं करता है, तो किन्हीं दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच के समय को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इससे किसे डिनोट करते हैं, टाउ से। अब देखिए जितना रिलैक्सेशन टाइम है सबको ऐड कर लीजिए, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस टाउ एन डॉट डॉट अपॉन एन, ये नंबर ऑफ कोलिजन है। तो जो आता है इसको बोलते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहलाता है, मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्या, मीन रिलैक्सेशन टाइम। किससे डिनोट करते हैं, टाउ बार से। किससे डिनोट करते हैं, टाउ बार से। तो ये हो गया मीन रिलैक्सेशन टाइम। इसकी वैल्यू नियर अबाउट मेटल में 10^-14 सेकंड होती है। कितनी होती है, 10^-14 सेकंड होती है। ये कहलाता है मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो द एवरेज ऑफ ऑल द रिलैक्सेशन टाइम
इन द मेटल्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मीज़लेस टाइम। मीन्स किसी मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के सभी कोलिजन का जो रिलैक्सेशन टाइम है उसका जो एवरेज होता है उसको मीन रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों? टाउ बार से। किससे डिनोट करते हैं? टाउ बार से। ये हो गया मीन रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। ये स्पीड किसकी है? फ्री इलेक्ट्रॉन की। कौन सी स्पीड है? थर्मल स्पीड। इसको दूसरा नाम क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और देखिए, ये जो आपका स्पीड है ये है 3 RT/m। ये किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। तो देखिए, मीन रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। ये उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मीन रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। टेम्परेचर घटा देंगे मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो मीन रिलैक्सेशन टाइम जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, उसके टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर मेटल का ज्यादा होगा मीन रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो मीन रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा। ओके, तो दो बातें आपको देखने को मिली। एक मीन फ्री पाथ क्या होता है लैम्डा, एक मीन रिलैक्सेशन टाइम देखने को मिला। अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर चलते हैं तो इन पॉजिटिव आयन से इनका लगातार कोलिजन होता है, टकराते हैं, तो जिससे कुछ रुकावट पैदा होती है, कुछ हिंड्रेंस पैदा होती है, कुछ अपोजिशन होता है। प्लस ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकराते हैं, उससे भी कुछ रुकावट पैदा होती है। इसी को हम उस मेटल का रेजिस्टेंस कहते हैं। मीन्स जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनकी उनका पॉजिटिव आयन से कोलिजन होता है, आपस में कोलिजन होता है, तो उनके चलने के मार्ग में कुछ बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट होती है, अपोजिशन होती है। उसी अपोजिशन को, उस कंडक्टर का हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ओके, और एक बात और, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल्स के अंदर से चलते हैं तो इनका आयन से कोलिजन होता है। कोलिजन होने की वजह से जो है रुकावट होती है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभी तक तो हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया, किसी वोल्टेज से इस वायर को नहीं कनेक्ट किया। अगर किसी हम वोल्टेज से जोड़ दें, किसी बैटरी से जोड़ दें इस मेटल वायर को, तो क्या होगा? अब हमारा क्वेश्चन यही बचता है, तो क्या होगा? इसके लिए आप इंतजार करिए नेक्स्ट लेक्चर का। आप फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा चैनल में जाइए, सब्सक्राइब करिए। हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आने वाले हैं। ओके।